हाय फ्रेंड्स एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्यांवी ज्वेलरी। और आज है संडे, तो आज मैंने अभी मतलब कुछ भी मॉर्निंग से कुछ भी ब्लॉगिंग नहीं करी और शाम के बज रहे हैं आई थिंक 5, कितने बज रहे हैं, ओ शिट, शाम के बज रहे हैं 5:30 और भूख लग रही थी। तो हम लोगों ने मतलब मैं तो आज घर पे ही थी, डुगू और ये डुगू के पापा दोनों लोग गए थे फ्लैट पर जो जहाँ अभी कंस्ट्रक्शन वर्क अभी चल रहा है, तो वहाँ से ये दोनों मेरे लिए लाए थे। क्या मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये लोग लाए थे नूडल्स, हक्का नूडल्स जो पूरी फिनिश हो चुकी है, हम लोगों ने निपटा। और अब मैं बनाने जा रही हूँ शाम की चाय, क्योंकि 5:30 हो गए हैं और शाम की चाय बनानी है, तो आ जाइए हमारे साथ और पीते हैं शाम की चाय। हमारी चाय, और आप लोग ये सोचते होंगे कि एक येलो कप और एक वाइट कप हमेशा क्यों रहता है। मुझे एक्चुअली पहले वाइट कप में पीना अच्छा लगता था, तो पहले मैं बहुत सारे वाइट कप्स ले आई थी, अब मुझे येलो कप में पीना अच्छा लगता है तो मैं येलो कप में ले आई हूँ। और आज जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरी आ गई है, वो आ गई है मेरी सेल्फी स्टिक, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लोग, आप कोई भी ब्लॉगिंग करता है तो हैंड में फ़ोन पकड़ना पड़ता है और वो हिलते रहते पोजीशन उसकी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक सेल्फी स्टिक ऑर्डर करूं और इसकी अनबॉक्सिंग मैं आपको थोड़ी देर में करके दिखाती हूं। सो अभी तो हम अभी कर रहे हैं अपनी चाय इंजॉय, और आज आपको एक मिनी ब्लॉगर भी मिलेगा जो आज मैं फ्लैट पे नहीं गई थी, तो मेरी डुगू ने आज ब्लॉगिंग करी है, तो उसका भी छोटा सा पार्ट मैं इसमें एडिट कर दूँगी। आप देखना मेरी डुगू ने कैसे ब्लॉगिंग करी है। और ये बैठे हैं दोनों खिलाड़ी, और मैंने ब्लॉगिंग करी आज। ये बैठे हैं दोनों खिलाड़ी राजू और राजू की ममता, लेकिन आज ममता ने चाय बनाई, राजू ने चाय नहीं बनाई आज राजू थक गया, तो मैंने चाय बना के इनको रेडी करके दे दी है। अब करेंगे रात के डिनर की तैयारी और करेंगे अनबॉक्सिंग, और आज ज़रूर जाएंगे वॉक पर क्योंकि आज वेदर बहुत अच्छा है, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस, आज मम्मी की जगह मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, और ये हमारा फ्लैट है, उसमें जो ये जो फ्रंट का जो दरवाज़ा है वो लग रहा है, आपको दिख रहा है, अभी ये जो वहाँ खाली स्पेस है ये वहाँ लग जाएगा। और ये रहे मेरे पापा, पापा बस खड़े होकर सबका काम देख रहे हैं, और मैंने भी कुछ बनाया है लकड़ी से, ये मैंने किचन सेट का फ्रेम बनाया है अभी तक, तो अभी वो चिपक रहा है। और ये मेरी अलमारी का जो पल्ले होते हैं वो रेडी हो गए हैं, और ये मम्मी पापा की अलमारी और मम्मी की ड्रेसिंग टेबल है, मैं अपना कमरा दिखाती हूँ, और ये टॉयलेट तो है ही, और मेरी खुद की टॉयलेट है, और ये मेरी जो अलमारी है उस पे जो ये जो पल्ले आपको दिखा रही थी वो मेरी ही अलमारी के हैं, और यहाँ पे सारी वुडन चीज़ें रखी हुई हैं, और यहाँ पे भी यही है। तो सो गाइस, अभी हम जब घर जाएंगे तब आपसे मिलेंगे, तो तब तक के लिए इतना ही। सो हम लोगों ने अपनी चाय पी ली है, और मैं ये सेल्फी स्टिक ये जो मंगाई है इसको मैं अनबॉक्स कर रही हूँ। और ये किस ब्रांड की है, ये मैंने किससे ऑर्डर किससे किया था हम लोगों ने, अमेज़ॉन के फ्लिपकार्ट, किसकी पैकिंग है, Amazon? अच्छा, ये मैंने इन्होंने ऑर्डर किया, एक्चुअली मुझे नॉलेज नहीं है किससे ऑर्डर किया है, तो Amazon से ऑर्डर किया है, और देखते हैं कैसी आई है सेल्फी स्टिक। और मैंने मिंत्रा से भी 2-3 चीज़ें ऑर्डर करी हैं, वो लेट हो गई हैं आने के लिए। ये है मोबी लाइफ करके है ये, और अभी हम ओपन करके आपको दिखाएंगे। माय गॉड, इसमें ये क्या है मम्मी,
उसमें भी कुछ था पैकेट में। पैकेट में कुछ नहीं है, उसमें बबल रैप और बिल है। इसके साथ ये रिसीव हुआ है, ये लीड है और ये पता नहीं क्या है, ये बैटरी है, ये सेल है, ये सेल रिसीव हुआ, ये लीड रिसीव हुई है और ये स्टिक है। पर ये कुछ समझ में नहीं आ रही है, ये स्टिक ऐसे ही होगी। हाँ ऐसे है। हाँ ये क्लिक करने के लिए। अच्छा अच्छा, ये जस्ट ऐसे हैंड में रखने के लिए है। अरे माता वो खुलती भी है, इसमें फोन इधर लगेगा। हाँ और फिर ये एकदम ऐसे बंद होती है। अच्छा ये फोन के लिए है, लाइट भी है, लाइट भी है। हाँ तो ये मिरर किस लिए है जो बीच में लगा हुआ है? हटो जरा डुबू, बीच में से हटो। हाँ ये किसके लिए है? देखने के लिए फोन है। तो ये तो मतलब ऐसे होगा ये? अच्छा ये ऐसे होगी। इस टाइप से है ये, इस हाइट तक जाएगी ये। मुझे लगा ये छोटी सी है तभी मैं सोच रही थी इसमें फोन इसमें ऐसे लगेगा। हाँ और अगर आप इसमें भी फोन लगाओ तो इसमें लाइट भी चलेगी। वर्टिकल, अच्छा ये ऐसे भी ओपन हो जाएगा। ओके हटो डुगो, ये ऐसे भी रख सकते हैं, इसको एक हैंड स्टैंड की तरह भी यूज कर सकते हैं, इसको सरफेस पे भी रख के यूज कर सकते हैं। एक्चुअली मुझे इसके फीचर्स अभी पता चल रहे हैं, मैंने जस्ट अभी इसको ओपनिंग किया है तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अब मैं इसको यूज करूँगी और बताऊंगी कि बड़ा सॉफ्टली क्लोज हो गया ये तो। पर्टिकुलरली खड़ा करके देखो और करो ऐसे हो जाएगा ये। रिस्की है तो ये टाइप से हो जाएगा। रिस्की है पर ये थोड़ा है ना, तो ये तो मुझे काफी अच्छा लगा। अभी मैं इसको यूज करके और बताऊंगी। सो फाइनली आई एम यूजिंग माय सेल्फी स्टिक और ये रहा मेरा स्टैंड, इसको मैंने यूज नहीं कर रही हूँ और मैं अपनी सेल्फी स्टिक को यूज कर रही हूँ और ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। इसमें कैसे भी आप यूज करो, आपका हैंड्स इतने दूर से भी यूज़ कर सकते हैं, पास से भी यूज़ कर सकते हैं। और मेरे घर में कुछ गेस्ट आए हैं, मेरी डुब्बू के फ्रेंड्स आए हैं, वो लोग सब खेलेंगे और डुब्बू ने एनिवर्सरी वाले बलून को बॉल में कन्वर्ट कर दिया है और ये लोग अब बॉल से खेलते रहते हैं और हमारी एनिवर्सरी गिफ्ट की ऐसी की तैसी कर दी है। देखो देखो कैसे खेला जा रहा है, दिखाना जरा, दिखाना जरा बॉल को फेंकना जरा, कैसे खेल रहे हो तुम लोग। ये देखो हमारी एनिवर्सरी गिफ्ट के ये हाल कर दिए इन बच्चों ने। हाँ तो हम लोगों ने अभी डिनर नहीं किया है और वॉक करने आए हैं मास्क लगा के। ये रहा हमारा बरिस्ता, सेम प्लेस सेम जगह, मास्क लगाना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। एंड ये भी आए हैं वॉक क्लब में, कुछ कहना चाहोगे? आज बहुत भीड़ है यहाँ पे लॉकडाउन के बाद। आज अभी मैं अपनी स्टिक भी लेकर आई हूँ और स्टिक में ही कैमरा लगा हुआ है तो मैं अपनी स्टिक को पास भी कर सकती हूँ और दूर भी कर सकती हूँ। काफ़ी सही ही हवा चल रही है आज और भीड़ बहुत है क्योंकि आज है वीकेंड, तो दिल्ली में वीकेंड तो वीकेंड ही होता है। बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, काफ़ी सारे लोग दिख रहे हैं आज यहाँ पर और ये हमारे रेस्टोरेंट लाइन से यहाँ पे भी भीड़ रहती है अक्सर कर।
यहाँ पर हमारे काफ़ी सारे ब्रांड्स भी हैं, थियो ब्रामा वगैरह है हमारे इधर पास में, और काफ़ी भीड़ रहती है। और लेकिन आज यहाँ थोड़ी सी कम गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। मैं आपको एक बार व्यू करके दिखाती हूँ पूरे ग्राउंड का इस टाइप से। ये दिल्ली का जो सुल्तानपुर फार्म्स, साउथ दिल्ली का जो सुल्तानपुर फार्म्स है वो वाला एरिया है ये। और आज क्या बैठ रहे हो क्या? हम दोनों मियां बीबी आज बैठे हैं बड़े दिनों बाद, डुगू को पढ़ाने के बाद। डुगू को पढ़ाना इतना नेक्स्ट टाइम पॉसिबल है, और मुझे पढ़ाना होता है डुगू को। वो तो तुम्हें पढ़ना है। मुझे क्यों पढ़ाना है, तुम भी तो पढ़ा सकते हो। नहीं क्यों, नहीं 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 वो तुम्हें नहीं नहीं, नहीं। तो मैंने अकेले का बच्चा पैदा किया और हाँ और क्या अकेले किया था पैदा तो हमने अकेले किया था, लेबर पेन तो मैंने लिए थे। लेकिन अभी लॉकडाउन में यार बच्चों को पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट है, और बाकी सारे घर के काम भी करने पड़ते हैं। टीचर तो अपना कोई नहीं होमवर्क दे देते हैं है ना। तो काफ़ी सही लग रहा है यहाँ पे, हवा भी अच्छी चल रही है, और मैं अपनी सेल्फी स्टिक के मज़े ले रही हूँ। और पीछे मेट्रो भी दिख रही है, ये देखो मेट्रो दिख रही है, ये हमारे पीछे से मेट्रो भी जा रही है। हम लोग यहाँ एक बार आते ज़रूर हैं, बड़ा अच्छा सा लगता है यहाँ के पोस्ट अच्छा। सो फ्रेंड्स, ब्लॉग की एंडिंग में यही करती हूँ। हवा बहुत अच्छी चल रही है, घर भी जाना है, घर जाके और भी काम करने हैं। और अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लग रहा है, मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल दिव्यांवी ज्वेलरी। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट बाय। और ये है हमारी दिल्ली ये आ रही हैं गाड़ियाँ बड़ी बड़ी।